नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और कॉमन टॉपिक के बारे में, शोल्डर डिसलोकेशन इन एडल्ट्स। दोस्तों, शोल्डर जॉइंट एक हाइपर मोबाइल जॉइंट होती है। हाइपर मोबाइल जॉइंट होने के लिए इसे थोड़ी अपनी स्टेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। ये शोल्डर जॉइंट बनती है एक छोटी सी कैविटी, जिसे हम बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी से, एंड दूसरी बनती है ये अपनी एक ह्यूमरस हेड से, जो ह्यूमरस का आर्म का अपर एंड का बॉल होता है। तो दोस्तों, ये एक छोटी कैविटी के ऊपर एक बड़ा बॉल रेस्ट कर रहा है, तो अब इसे स्टेबिलिटी बोन तो प्रोवाइड कर नहीं रही, तो इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है आसपास की सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स, जैसे कि मांसपेशियां, जो ग्लेनोइड कैविटी के कैप्सूल होती है आगे और पीछे की तरफ वो, एंड ग्लेनोइड कैविटी के आगे की तरफ जो स्ट्रक्चर्स होती है जिसे हम बोलते हैं लैब्रम, वो शोल्डर जॉइंट को, ह्यूमरस हेड को बेसिकली आगे जाने से या पीछे जाने से थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो मेजर स्टेबिलाइजिंग स्ट्रक्चर लेकिन इसमें होती है मसल्स सराउंडिंग द शोल्डर, जिसे हम बोलते हैं रोटेटर कफ। तो दोस्तों, जैसे कि हाइपर मोबिलिटी की वजह से ही हम बॉलिंग कर पाते हैं, नहीं तो पूरी शोल्डर रोटेट हो ही नहीं पाती अगर इस शोल्डर जॉइंट में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती। तो इसकी एक खामियाजा ये होती है कि हाइपर मोबिलिटी की वजह से ये कई बार अपने जगह से डिसलोकेट होने के चांसेस रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बॉल अपने सॉकेट से निकल के बाहर आ जाती है। तो दोस्तों, कभी भी आपकी अनटूवर्ड एक्टिविटी, खास करके इंजरी के दौरान, आपकी शोल्डर डिसलोकेट होने के चांसेस हाई रहते हैं। खास करके आपकी कभी भी फॉल इस पोजिशन में अगर हो, तो जिसे हम बोलते हैं थ्रोइंग एक्टिविटी, विथ इन विच योर आर्म इज एब्डक्टेड, इट इज आउट ऑफ द बॉडी बाय 90 degrees, एंड ये थोड़ी एक्सटर्नल रोटेशन में रहती है आर्म, तब शोल्डर में आगे की तरफ घसकने की, बॉल को आगे की तरफ घसकने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। इसी पोजिशन में यूजली ये डिसलोकेट हो जाती है। जब भी कभी ये दोस्तों डिसलोकेट होती है, तो आप जैसे किसी हॉस्पिटल जाते हो, तो वहां पे अंडर एनेस्थीसिया, अंडर सेडेशन, हम इसे मैनुअल करके रिड्यूस बैक कर देते हैं अपनी जगह पर। अब दोस्तों, यंग लोगों में, अराउंड लेस देन 20 ईयर ओल्ड पीपल में, ये दोबारा डिसलोकेशन होने के चांसेस अप्रोक्सीमेटली 80-90% चांसेस ज्यादा होती है, एंड अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर के एज के बाद इसमें डिसलोकेशन के चांसेस अप्रोक्स 30-40% टाइम ज्यादा होती है। तो दोस्तों, ये दोबारा डिसलोकेट होती क्यों है? क्योंकि जब भी कभी बॉल अपने सॉकेट से बाहर निकलती है, इसकी आगे की जो टिश्यू थी, जिसे मैंने अभी बताया था, जो कि लैब्रम ऑफ द ग्लेनोइड कैविटी होती है, ये टियर हो जाती है। ये जब टियर हो जाती है, ये अपनी जगह वापस फॉल बैक नहीं करती है ड्यूरिंग द रेस्ट फेज, ये टियर ही रहती है। तो इसकी आगे की एक मेजर स्टेबिलाइजिंग स्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से ये दोबारा सिंपल एक्टिविटीज में भी डिसलोकेट हो सकती है, सिंपल ट्रिवियल ट्रॉमा में भी डिसलोकेट हो सकती है। ट्रिवियल ट्रॉमा एज ट्रिवियल एज वेयरिंग अ शर्ट इन दिस पोजिशन। आपने मान लो आपने लेफ्ट राइट शोल्डर में इंजरी हुई थी, लेफ्ट शोल्डर का आपने बाजू डाल लिया शर्ट का, राइट शोल्डर के लिए आपने हाथ ऊपर की तरफ लेके गए, इसमें भी डिसलोकेट हो जाती है कई बार। एज सिंपल एज थ्रोइंग अ स्टोन, थ्रोइंग अ बॉल, ट्राइंग टू हिट अ स्मैश, इन सब एक्टिविटीज में ये डिसलोकेट हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हमें एक MRI की जरूरत पड़ती है। MRI में बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि आगे की टिश्यू टियर है तो कितनी है, और इसके साथ एसोसिएटेड बोन लीजन्स है कि नहीं, यानी कि ग्लेनोइड कैविटी के आगे वाला हिस्सा एंड ह्यूमरस हेड का पीछे वाले हिस्से में भी बोनी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। अगर मान लेते हैं इसमें बोनी इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें प्रोसीजर एक होती है। अगर मान लेते हैं इसमें सिर्फ कैप्सूल टियर है, तो इसमें प्रोसीजर अलग होती है। अब दोस्तों, मान लेते हैं MRI हो गई आपकी, MRI के बाद आया कि इसमें सिर्फ पैनकार्ड्स लीजन है, एंड पीछे ह्यूमरस हेड के पीछे इसमें गड्ढा बन जाता है, जो कि ग्लेनोइड कैविटी के टकराने की वजह से होती है, जिसे हम बोलते हैं हिल सैक्स लीजन। मान लेते हैं सिंपल ये MRI फाइंडिंग आई शोल्डर डिसलोकेशन के बाद, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों, दूरबीन से पैनकार्ड्स रिपेयर, यानी कि ये जो कैप्सूल टियर हो गई थी, ये जो बेसिकली आगे की पैनकार्ड्स टिश्यू थी वो टियर हो गई थी, उससे वापस अपनी जगह ला के रिपेयर कर देते हैं हम बोन टू बोन, एंड इसके बाद शोल्डर डिसलोकेशन के चांसेस नहीं रहते। इसमें दूरबीन से सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद 3 हफ्ते की रेस्ट होती है, इसमें 3 हफ्ते के बाद एक्सटेंसिव एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी चालू होती है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3-4 महीने के बाद आप दोबारा स्पोर्ट्स एंड वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं।
अगर मान लेते हैं इसमें कुछ बोनी इन्वॉल्वमेंट आती है, तो हमारी कुछ क्राइटेरिया होती है कि बोनी इन्वॉल्वमेंट में हमें दूसरी सर्जरी करनी पड़ती है, जैसे कि कोरकॉइड प्रोसेस, एक नीचे की तरफ हड्डी होती है शोल्डर में ही, ऊपर की जो अक्रोमियन है उसके जस्ट नीचे, तो हमें वो निकाल के आगे की तरफ लगाना पड़ता है। तो अगर इसमें बोनी लीजन ज्यादा आते हैं तो ऐसी सर्जरी करने की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये टोटली डिटरमाइन होती है आपकी सीटी और एमआरआई फाइंडिंग के बेसिस पे। तो अगर मान लेते हैं हमें बोनी लीजन की भी बोनी लीजन है और हमें ये करनी पड़ रही है, इसके बाद भी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, एंड यू कैन एक्सपेक्ट 3 से 4 महीने के बाद आप आराम से स्पोर्ट्स एंड वेट लिफ्टिंग दोबारा कर सकते हैं। आपको शोल्डर डिसलोकेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम इसके ऊपर जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। Thank you.